तो लेडीज एंड जेंटमैन इन मॉड्यूल 68 अचीविंग सोसाइटीज इन मॉडर्न वर्ल्ड अचीवमेंट हाउ वी कैन अचीव तो अब देखा कि सोशल कल्चर साइकोलॉजिकल इन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे तो अचीवमेंट को सोसाइटीज के अंदर किस तरह दिया जाता है तो दुनिया में नज़र देखते हैं एक, एक नज़र तो मैंने आपके पिछले मॉड्यूल के अंदर भी हमने देखा लेकिन यहाँ देखें कि हाइपोथिस किस तरफ जा रहा है कि हाउ अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज ड्राइड फ्राम द पोलिटिकुलर हिस्टोिकल सिक्वेंस ऑफ एवेंट इन वेस्टर्न यूरोप द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म यहाँ पर जैसे मैंने अर्थ की कि जहाँ पर इंडस्ट्रिय रेवोल्यूशन था यूरोप डार्क एज में था बिल्कुल ही जो है वो लोग लाफाना में चले गए थे आप देखते हैं कि चाइना जो है वो बिल्कुल भंगी कौम थी फिर ये दोनों का आप देखते हैं आप आगे, आगे अगर आप देख लें तो कई ऐसी कॉमें थीं अगर अभी आप देखें तो अरब जो हैं वो अरब्स बिल्कुल अभी सो रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो उनकी डेवलपमेंट इतनी है कि वो हर चीज़ को जो है वो इम्पोर्ट कैसे करेंगे लेकिन वो क्या मैनुफेक्चर कर रहे हैं अभी तक ऐसा कोई ख़्याल नहीं है उनके अंदर मेहनत है नहीं उनकी तबीयत में भी मेहनत नहीं है अगर आप देखेंगे तो वो लबन पीते हैं उनकी ग़ाएँ भी ऐसी हैं भारी खुराकें खाते हैं और ऐसे मामला करते हैं जिसके अंदर आपको ख़ुद ही समझ में आ जाएगी कि आपको स्ट्रक्चर किस तरह का मिल रहा है चाइनीज़ को आप देखेंगे कि उनके जो है वो कपड़ों के अंदाज़ भी ऐसे होते हैं सो आप यहाँ देखते हैं कि सीक्वेंस क्या है कि आपने कैपिटलिज्म कैपिटलिस्टिक अचीवमेंट की जब बात हुई थी और जब एडम स्मिथ साहब ये बात करते थे कि लेबर को उसका हक दिया जाए और उसके वेज रेट को फिक्स किया जाए आपके लेबर मॉडल को बेहतर किया जाए और कहाँ कहाँ क्या डेवलप होगा इसका राइज ऑफ कैपिटलिज्म आपको यहाँ से मिलता है लेकिन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी मज़हब ने बहुत मैकलिडन के मुताबिक या फिर आगे मैक् वर्ग ने जो बात की बड़ा अहम रोल है कस्बे कमाल कौन कह लें या इसमें आप ये देख लें कि अलकासे वबीबुल्लह यानी अल्लाह का वो हबीब है जो हाथ से काम करेगा यह हदीस मुबारक है सो अब आप ये देखें तो अगर बेशुमार हदीसों के अंदर देख लें फिर इसको आप डिविनिटी में ले जाइए फिर इसको आप बाकी स्ट्रक्चर्स में देखिए फिर हमने बहुत सारी और डिस्कशंस की थेरीज की तो उन सब के अंदर जो है वो रिफॉर्मेशन जो है वो प्रोटेस्टेंट्स की जो एग्ज़ाम्पल यहाँ दी जा रही है वो क्रिश्चियन सोसाइटी की दी जा रही है वो क्रिश्चियन सोसाइटी के अंदर प्रोटेस्टेंट इसलिए थे कि कहीं वो इबादत गुजारी और जो उनके अंदर रहमानियत का बहुत ज़्यादा जोर हो गया था यानी गारों में चले जाना अपने आप को दूर कर लेना जंगलों के अंदर चले जाना लेकिन एक सोसाइटी के अंदर ख़ुराक फराम करना सप्लाई चेन डेवलप करना वेयर हाउस डेवलप करना ऊंचे नीचे हालात से लड़ना मटेरियलिज्म का होना या दुनिया का होना या सोशल एटीट्यूड को सेटल करना ये कहीं नहीं था सो राइज ऑफ कैपिटलिज्म यहां से आता है नेक्स्ट टू द स्टडी लेवल आप देखते हैं कि एन अचीवमेंट इन द दोसाइटी एनस द इकोनॉमिक ग्रोथ द द साइंटिस्ट एग्री टू एंटरप्रेन्योरियल क्लास तो यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट आ रही है कि यहां पर बड़ा जरूरी हो गया कि प्रोटेस्टेंट से जब आपने ये आइडिया लिया तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द फंडामेंटल पार्ट फिर साइंटिस्ट ने ये कंसीडर किया कि जब तक एक आंटरप्रनोरी क्लास सोसाइटी में नहीं होगी तब तक माशरे तरक्की नहीं करें सो so ये तरक्की करना और डेवलपमेंट करना बड़ा आम अब हम देखते हैं कि प्रिज्यूमेबली बी मोर पीपल हु बिहेव लाइक एक्टिंग टू प्रोड्यूस मोर देन दैट दे कैन कंज्यूम अब यहां पर कंजम्पशन पहले प्रोड्यूस ज्यादा करना है कंज्यूम कम करना है पाकिस्तान कंज्यूमर सोसाइटी हो चुकी है हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे कंज्यूम कर रहे हैं हमारे पास प्रोक्टैम्बल के हज़ार प्रोडक्ट हैं हमारे पास बाकी ब्रांड्स की बेशुमार यानी एक रेंज वेट्थ और डेप्थ के साथ बेशुमार इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रही सो क्या हो रहा है हमारे इम्पोर्ट बिल बढ़ रहे हैं जब हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा तो हमारे पास जो है वो इम्पोर्ट ज़्यादा होंगी एक्सपोर्ट्स कम होंगी एक्सपोर्ट्स जब हमारी कम होंगी तो हमारे डेट्स बढ़ेंगे जब हमारे डेट्स बढ़ेंगे तो हमारा सर्कुलर डेट भी बढ़ेगा जब हमारा सर्कुलर डेट बढ़ेगा तो आप ये देखते हैं कि सर्कुलर डेट आपका बिजली के साथ रिलेट करता है बिजली के साथ क्यों रिलेट करता है क्योंकि बिजली की खपत नहीं होती बिजली की खपत क्यों नहीं होती कि इंडस्ट्री मौजूद नहीं है इंडस्ट्री को मौजूद कैसे होना था बिजली बन रही है बिजली ज़ाया हो रही है ज़ाया क्यों हो रही है वो इस वजह से कि जहां पे एक्चुअली कंज्यूम होनी चाहिए वहां पे कंजम्पशन नहीं हो रही और वो आती क्यों नहीं है तो लाइन लॉसेज होना शुरू हो जाते हैं टेक्निकलिटीज के अंदर मैं नहीं जाने लगा लेकिन मैं यहां आपको बता रहा हूं कि आपने मैक्सिमम रिसोर्स को कंप्लीटली यूटिलाइज करना है यू मस्ट हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड कंज्यूम लेस और कंज्यूम सिस्टमेटिकली कंज्यूम सिस्टमेटिकली प्रोड्यूस मच नाउ टेक्नोलॉजी वाज द थॉट टू बी द पॉसिबल इंपॉर्टेंस बिकॉज इंडिविजुअल विद द हायर एन अचीवमेंट माइट अडॉप्ट इंप्रूव टेक्निक्स More quickly and more extensively as more efficient means of attaining their end. So यहाँ पर important बात ये हो गई कि आपने अपनी techniques को जैसे मैंने आपको hierarchical model पे बताया कि पहला level है strategic, दूसरा level है functional, तीसरा है operational. तो ऊपर के अंदर जो है वो policies and procedure हैं, तीसरे के अंदर tools and techniques हैं. तो जो operation level है उसमें tools and techniques को बेहतर करते रहते हैं. यानी जितने भी रिजल्ट में आपका कॉस्ट कम होता जाए रिस्पॉन्स बेहतर होता जाए और माइक्रॉन्स की तरफ आते जाएं यानी बड़े सिस्टम से छोटे की तरफ आते जाएं और उसके रिजल्ट्स ज्यादा होना शुरू हो जाए सो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आपकी प्रोडक्शन जो है वो कॉस्ट लेस कॉस्ट स्कोप और आपकी टाइमलाइन ये इंपॉर्टेंट त्रीन फैक्टर हैं जिसके तहत आपकी इंपोर्ट डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर बनता है सो दिस इज हाउ द अचीविंग सोसाइटीज इन द मॉडर्न वर्ल्ड डू द थिंग्स इन अ बेटर वे एंड बिहेव आंटरप्रनोरली थैंक यू वेरी मच